स्कोप साइंस क्लास मैं हूँ जर्लिश राणा। आज हम देखेंगे जी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन ये होता है कि जी आपकी बॉडी में वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें। और जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जब आप वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंटीजन्स वगैरह, तो आपकी बॉडी उनके रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ आपके जो भी इन्फेक्शन होता है उसका दिफा करते हैं। खुद वैक्सीन जो होती हैं वो पैथोजेंस को नहीं किल करती हैं, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का उसको एक्टिवेट करती हैं। और वो जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है फिर उसने उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना होता है। बेसिकली जो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का काम होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं या उसको इस काबिल बनाती हैं कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ का दिफा कर सके। अगर हम इसका हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम देखें ना कि हमारा इम्यून सिस्टम किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट है या उसके मेन फौजी कौन से हैं, तो जी दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो आ जाती हैं प्रोटीन्स और दूसरे आ जाते हैं सेल्स। प्रोटीन्स में आ जाते हैं एंटीबॉडीज जो करेंगे, और अगर हम सेल्स को देखते हैं तो सेल्स में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स में आगे टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस भी होता है जो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की परफॉर्म करती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखना है कि अब हम देखेंगे कि जी किस तरह जो कोई वायरल इन्फेक्शन अटैक करता है तो किस तरह जो वैक्सीन्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा इम्यून सिस्टम में जो हमारे फौजी हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करेगी और किस तरह हमारी बॉडी को इन डिजीज़ के खिलाफ बचाएगी। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कि लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स आएंगे और बी लिम्फोसाइट्स आएंगे और फिर उधर से एंटीबॉडीज आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं टी सेल्स को। टी सेल्स ने क्या करना है जी, हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है और ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कंबैट करना होता है, जिसको हम जो कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पांस भी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बी सेल भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू फ्लूइड्स में। और ये क्या करते हैं, फिर ये जो एंटीबॉडीज जो सिक्रीट हुई हैं ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में, इन्होंने एंटीजन के साथ अटैच हो जाना है और इस किस्म की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर हम अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे आ जाएं कि बॉडी किस तरह की जो टाइप्स इम्यूनिटी शो करती है, तो वो दो तरह की होती है जी, एक एक्टिव होती है और पैसिव होती है। वैसे हम देखते हैं कि एक आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस भी होती है और एक नेचुरली भी इंड्यूस हो जाती है। जैसे हमारा एक्सपोजर हो इन्फेक्शन से तो आपकी बॉडी खुद भी जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो उनके खिलाफ आपको वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ दिफा करता है। एक होता है जो आर्टिफिशियली यानी डेफिनेटली जो हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम देखते हैं जी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में ये होता है कि हमने वैक्सीन्स का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी और वो जो है हमारी बॉडी को इस काबिल बनाती हैं कि वो डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट जो दिफा कर सके। अब हम देखते हैं जी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि एंटीजन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बॉडी में ताकि वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज, जिससे फिर हमारी बॉडी का दिफा होता है। तो जी ये था हमारा वैक्सीनेशन का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम जो अब वीडियो का अगला पार्ट होगा उसमें हम अपनी डिजीजेस को डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।